ये है कि सच्चाई बात है, आदरणीय मुख्यमंत्री बोले भी उस दिन यूनियन को ट्रेनिंग कर देना चाहिए, अध्यक्ष जी से आग्रह किए थे। और जिस तरह की घटनाएं घटी उस दिन, तो हम लोग सदन में थे आज़ादी के बाद आज तक, चूँकि हम लोग तो तीसरा पीढ़ी राजनीति के हैं, हम लोग बच्चा से ही विधानसभा में जाया करते थे, देखने का काम करते थे। तो इस तरह की घटना आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ था, जो स्पीकर का जो कार्यालय है उसको बंधक बना लेना, जो स्पीकर का चेयर है आसन को बंधक बना लेना, कुर्सी तोड़ना, टेबल तोड़ना और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना, गाली गलौज करना, तो जनता जनादेश देकर भेजती है। जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं माननीय, उनको अपने क्षेत्र की समस्या के विकास के लिए, और क्षेत्र की जो समस्याएं रहती है, जब क्वेश्चन आता है तो सरकार उसको जवाब देती है, उसी पर उसका समाधान भी होता है, उसका विकास भी होता है। तो यह बात छोड़ के, अब जैसे फील्ड में लोग लड़ाई लड़ता है, जिस तरह से बच्चे लोग लड़ते हैं, उस तरह से बातें करना, यह सबसे बड़ी प्रजातंत्र के लिए दुर्भाग्य है। वह भी प्रजातंत्र के मंदिर होता है विधानसभा, विधान परिषद, और उस स्थान पर इस तरह की घटना है, पूरे देश को सर में जो मैसेज गया, बिहार उससे बहुत ही शर्मनंदित हुआ। तो अपनी गलती को एहसास इंसान को होना चाहिए, जो हमने किस तरह से गलती की जिससे उसके बाद कार्रवाई हुई। तो जब तक अपना इंसान अपने नहीं झांकेगा, तब तक मैं समझता हूँ वह गलतफहमी दूर नहीं होगी। इसीलिए इससे पहले भी हम लोग भी विपक्ष में रहा करते थे, अपना नारा लगाने का काम करते थे, सरकार के विरुद्ध बोलने का काम करते थे, लेकिन जो सहनशीलता होती है, जो नियम होता है, कार्य प्रणाली होती है, उसी के अनुकूल विधानसभा चलता है। तो ये सच्चाई बात है कि जितने भी हमारे चूँकि इस बार बहुत नए सदस्य आए हैं, और सदस्य के ट्रेनिंग के तौर पर होना चाहिए, और आप लोगों ने जो कहा है, हम अध्यक्ष जी से भी इसमें राय करेंगे, राय करके इसको इन लोगों को ट्रेनिंग जरूर होना चाहिए एक सप्ताह का, जिससे कि सारी की सारी जो नियमावली है, जो संविधान में है, सारी की सारी जानकारी उनको मिले। और सबसे आग्रह किया जाएगा कि पक्ष और विपक्ष, विपक्ष भी सरकार का अंग होती है, और वह विधानसभा के अंदर सब कोई माननीय विधायक है, और सबका काम है अपने अपने क्षेत्र का विकास करना, बिहार की समस्या को उठाना, सरकार का काम है सरकार का काम है उसको जवाब देना, उसको निदान करना। और जब तक यह पक्ष विपक्ष मिल के नहीं काम करेगा, तब तक बिहार का विकास पूर्ण रूप में नहीं हो पाएगा। अब 2005 के बाद देखिए, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के जो इच्छा शक्ति विजन था, तो आज बिहार कहाँ से कहाँ गया, हर सेक्टर में, रोड सेक्टर हो, पुल पुलिया सेक्टर हो, बिजली सेक्टर में, सब में आत्मनिर्भर बिहार बनने का काम किया, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ बहुत, तो सारे के सारे चीज़ एक व्यक्ति इच्छा शक्ति विजन के कारण हुआ। उसी तरह से मैं विपक्ष के भी साथियों से आग्रह करूँगा कि आप लोग सामंजस्य बना करके, और जो भी नियमावली है, कार्य प्रणाली है, उसे विधानसभा में उठाने का काम कीजिए। सरकार आपको जवाब देगी, सरकार उसका समस्या के निदान के लिए तत्पर है। इसलिए आपस में मतभेद करना, बैर करना, या जो नियमावली बनी है वैसे काम करना, यह आपको भी शोभा नहीं देता है, और बिहार प्रदेश के भी अशोभनीय मैसेज पूरे देश में जाता है। इसलिए उन लोगों से भी आग्रह करेंगे कि मिलजुल के सदन के चलावें और विकास के लिए तत्पर रहें।